माजी अपनी नई पड़ोसी आई है, आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, बुलाइए। आइए अंदर। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آئیے بیٹھیے. دیکھو آنٹی آئیے سلام کرو. ہائے آنٹی. یہ میری بہن خدیجہ ہے اور یہ میری بیٹیاں فاطمہ اور مریم ہیں. یہ میری بیٹی صفیہ اور پروین ہے. عائشہ देखो मेहमान आए कुछ लाओ खाने के लिए। जी अभी लाती हूँ। आप कैसी है? कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब थी, बहुत बड़े हॉस्पिटल में भी इलाज करवाया, बहुत सारा पैसा भी खर्च किया, अब थोड़ा आराम है। तुम कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है आंटी। लीजिए लीजिए फातिमा मरियम, तुम भी लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सक्यूज मी मरियम, वी शुड इट विथ राइट हैंड नॉट लेफ्ट हैंड। ओ सफिया, तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, मैंने कहा कि हमें राइट हैंड से खाना चाहिए, लेफ्ट हैंड से नहीं खाना चाहिए। लेफ्ट हैंड से शैतान खाता है, और खाने से पहले और खाने के बाद दुआ भी पढ़नी चाहिए। दुआ? अरे दुआ दुआ तो उसे आती ही नहीं है, उसे इन सब चीज़ों से फुर्सत तो मिले। आयशा देखो कौन आया है। जी अभी देखती हूँ। आइए अंदर। सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? ईशा की बर्थडे पार्टी में जाना है। मम्मी मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं जा रही हूँ। नहीं पहले अपने क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाओ। नहीं मम्मी मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ। देखो सफिया भी किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं जाती। हाँ मैं भी किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं जाती और न केक काटती हूँ। पर क्यों? क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केक काटकर बर्थडे मनाने का तरीका नहीं बताया है, और अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए। थैंक यू फरीन, आपने हमें बहुत अच्छा सबक दिया है, आज से हम आपकी बातों पर अमल करेंगे। अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। पर मुझे मस्ती और नाच गाना बहुत पसंद है। नाच गाने से याद आया, हमारी फातिमा ने स्कूल फंक्शन में एक फिल्म का सॉन्ग गाया था। हमारी सफिया ने भी स्कूल में माँ बाप के बारे में स्पीच दिया है, बोलो सफिया। हाँ मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। सफिया तुम इतनी मीठी मीठी बातें करती हो, कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? शुक्रिया आंटी, मैं एक ऐसी स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ दीन और दुनिया दोनों तालीम दी जाती है। बेटा मरियम तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? आंटी मैं बहुत बड़ी सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। हाँ क्योंकि आज के ज़माने में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अपनी बेटी मरियम को बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो पढ़ लिख कर बहुत सारे पैसे भी कमाए। क्या आप अपनी बेटी को पैसे कमाने के लिए पढ़ाती हो? हाँ मैं अपनी बेटी को पैसे कमाने के लिए पढ़ाती हूँ। हमें हमारे बच्चों को पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करने के लिए पढ़ाना चाहिए। हाँ आप सही कह रही हो, सफी इतने अच्छे से दुआ पढ़कर खाती है, इतना अच्छा बात करती है, इसलिए मैं भी अपनी बेटी को ऐसे स्कूल में भेजूंगी जहाँ दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाए और वो अच्छे अदब भी सीख सके। हमें हमारे बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहिए। हाँ हमें हमारे बच्चों को ऐसी स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ दीनी और दुनियावी दोनों की तालीम दी जाए।
जाए और उनकी आखिरत कामयाब हो। थैंक यू।